सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी का रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है ऑफिसर्स काडर में। अगर आप ऑफिसर बन के कमीशन हो रहे हो इंडियन नेवी में तो कैसे आपका प्रमोशन होगा, कैसे आपके रैंक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रैंक जो इंडियन नेवी में होता है कमीशनिंग के बाद, वो होता है सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट आपका पहला रैंक स्ट्रक्चर है। अगर आप INA ज्वाइन करे हो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, तो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद भी जो पहला कमीशन होने के बाद जो पहला रैंक होगा आपका, वह होगा सब लेफ्टिनेंट। सब लेफ्टिनेंट से पहले आपको मिडशिपमैन बोला जाएगा। अगर आप 4 साल की ट्रेनिंग कर रहे हो तो मिडशिपमैन बोला जाता है। लास्ट के एक सेमेस्टर में आपको मिडशिपमैन बोला जाता है, लेकिन आपको कोई रैंक नहीं दिया जाता। रैंक आपको पहला कब मिलता है, जब आप सबसे पहला रैंक आपको मिलता है अगर आपका कमीशनिंग हो गया है। ये आपका रैंक होता है। एक नेल्सन रिंग और एक स्ट्राइप इसमें होती है, एक स्ट्राइप और एक नेल्सन रिंग उसमें आपकी होती है। पहला जो आप शोल्डर पे रैंक पहनते हो, उसके बाद आप सब लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट 2 साल में बनते हो। 2 साल में आप सब लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बनते हो, 2 साल बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे और आपका जो दूसरा रैंक होगा लेफ्टिनेंट का, वह एक नेल्सन रिंग के साथ 2 स्ट्राइप हो जाएगी। 1-2 स्ट्राइप और एक नेल्सन रिंग, 2 स्ट्राइप और एक नेल्सन रिंग आपकी हो जाएगी जब आप सब लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट बन जाओगे। और इसमें 2 साल लगेंगे। अगर आप 18 में कमीशन हुए हो तो आप 20 में जाके, 2018 में अगर कमीशन हुए हो तो 2020 में लेफ्टिनेंट बने होंगे। अगर आप 2022 में सब लेफ्टिनेंट बनने वाले हो तो 2024 में आप लेफ्टिनेंट बनोगे। तो इसमें सैलरी में भी, पे पैकेज में भी डिफरेंसेस आ जाएगा। सब लेफ्टिनेंट आपकी पहली कमीशनिंग रैंक है। पहली रैंक की सैलरी आपकी 56,000 से शुरू होती है बेसिक पे, और इसमें 63,100 कुछ बेसिक पे हो जाती है। तो आपका सैलरी में भी फ़र्क पड़ता है। लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर बनने में आपको 6 साल लग जाते हैं। अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो 5 ईयर्स में आप लेफ्टिनेंट कमांडर बन सकते हो। यानी लेफ्टिनेंट बनने के 4 साल बाद या 3 साल बाद आप लेफ्टिनेंट कमांडर बन जाओगे। आपकी पेमेंट में इंक्रीमेंट आ जाएगा और आप लेफ्टिनेंट कमांडर बनने में 1 फुल स्ट्राइप, 2 फुल स्ट्राइप के बीच में 1 हाफ स्ट्राइप, ये जो आप एक पतली सी लाइन देख रहे हो, 1 हाफ स्ट्राइप पहनोगे नेल्सन रिंग के साथ। तो आपकी लेफ्टिनेंट कमांडर वाली रैंक ऐसी हो जाएगी, एक नेल्सन रिंग है, 1 फुल स्ट्राइप है, 1 पतली वाली हाफ स्ट्राइप है और 1 और फुल स्ट्राइप। तो ये लेफ्टिनेंट कमांडर बनने में है। लेफ्टिनेंट कमांडर से कमांडर बनने में आपको लगभग 12 साल लग जाते हैं। 12 साल यानी टोटल सर्विस के 12 साल। अगर लेफ्टिनेंट कमांडर आप 6 साल में बन गए हो तो 6 के बाद 5 साल या 6 साल में आप कमांडर बन जाओगे, या 7 साल में भी हो सकता है कमांडर आप बनोगे। तो कमांडर बनने में आपको 3 स्ट्राइप हो जाएगी और 1 नेल्सन रिंग हो जाएगी कमांडर बनने का। कमांडर बनने तक आप टाइम स्केल कमांडर बन जाओगे, टाइम स्केल है। कमांडर बनने के आगे जो प्रमोशन होता है वो आपका सिलेक्शन बेसिस पे होता है, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो आप आगे जो रैंक्स है कैप्टन की, वह जल्दी बन जाओगे, नहीं तो टाइम के साथ बनोगे। तो यह पूरा टाइम बेस सिलेक्शन होता है। तो कमांडर बनने में आपको लगभग 13 साल लग जाते हैं इंडियन नेवी में, अच्छे केस में 12 साल। कमांडर बनने के बाद कैप्टन बनने में आपको, जैसे मैंने बताया, 15 से 16 साल लग मतलब का टाइम टोटल हो जाएगा। यानी 5 से 6 साल बाद कमांडर बनने के आप कैप्टन बन सकते हो। कैप्टन बनने में आपके 4 स्ट्राइप हैं और 1 नेल्सन रिंग है। 4 स्ट्राइप, 1, 2, 3, 4 और 1 नेल्सन रिंग आप पहनोगे तो कमांडर बन जाओ, कैप्टन बन जाओगे। कैप्टन में आप कॉलर टैब्स भी पहनोगे। कॉलर टैब्स में कोई स्टार नहीं होगा, सिर्फ आपका कॉलर टैप होगा, क्रिम्सन पैच जो आर्मी में होता है वैसे होगा। उसमें एक आपकी एम्ब्रॉयडरी वाली एक रीत होती है बस। तो आप कैप्टन बन जाओगे। कैप्टन बनने के बाद आपको कोमोडोर अगर बनना है, कोमोडोर में आपका सिलेक्शन, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी सब कुछ देखा जाता है। फिर आपका सिलेक्शन बेस्ड हो जाता है पूरा, जैसे मैंने बताया कमांडर बनने के बाद। तो कैप्टन बनने में और 4 से 5 साल लगेंगे कोमोडोर बनने में। 25 से 26 साल की सर्विस के बाद
आप कमोडोर बन जाओगे। ये वन स्टार फ्लैग ऑफिसर है, वन स्टार फ्लैग ऑफिसर रैंक मिनिमम 26 से 28 साल की सर्विस हो जाती है करते करते, उसके बाद आप इसमें एक कॉलर टैब्स होगा। वन स्टार रैंक ऑफिसर है तो कॉलर टैब में भी आपका एक स्टार होगा, एक स्टार रैंक है तो वन स्टार रैंक है तो आपको वन स्टार फ्लैग ऑफिसर बन जाओगे। गाड़ी के आगे जो आपका झंडा होगा उसमें वन स्टार लगा होगा तो आप एक फ्लैग ऑफिसर बन जाओगे कोमोडोर, बड़े बड़े यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर बन जाओगे आप जब आप कोमोडोर बन जाओगे। और कैप्टन बनने के बाद कोमोडोर जैसी आप बनोगे उसके बाद आपका सी टेन्योर भी ख़त्म हो जाता है, समुद्री सीलिंग आपको नहीं करनी पड़ती। कोमोडोर बनने के बाद आप रियर एडमिरल बनोगे जो टू स्टार फ्लैग ऑफिसर है, जिसमें आपके कॉलर टैब्स में दो स्टार लगे होंगे आपके कॉलर टैब्स में, और आपके दो स्टार राइट और लेफ्ट कॉलर टैब्स दोनों में होंगे, और इसमें आप एक ब्रॉड स्ट्राइप देख रहे हो रैंक में, एक ब्रॉड स्ट्राइप आ जाएगी, साथ ही साथ एक सिंगल स्ट्राइप और एक नेल्सन रिंग आ जाएगी। तो ये आपकी रियर एडमिरल की रैंक स्ट्रक्चर जो आप शोल्डर पे पहनोगे वो रैंक है, और ये आप ये एपोलेट्स आप अपने ये स्ट्राइप इस टाइप की स्ट्राइप आप अपने कंधे के ऊपर लगाओगे। रियर एडमिरल से वाइस एडमिरल भी 3 से 4 समय का टाइम का लगता है। ये सारी चीज़ें फिर आप 30 इयर्स की सर्विस के बाद ही आप रियर एडमिरल बनोगे, वाइस एडमिरल भी 30 to 35 इयर्स की सर्विस के बाद, और एज बेस्ड होता है कि आपकी कितनी एज बनी बची है सर्विस में, तो फिर आप वाइस एडमिरल बनोगे। वाइस एडमिरल एक 3 स्टार फ्लैग ऑफिसर है, जो आपके कॉलर टैब्स होंगे उसमें आपके 3 स्टार एक के ऊपर एक, 3 स्टार कॉलर टैब्स में भी पहनोगे, और इसमें आपकी 2 स्ट्राइप्स एक नेल्सन रिंग के साथ एक ब्रॉड स्ट्राइप है गोल्डन कलर की, तो ये आपका वाइस एडमिरल यानी फ्लैग ऑफिसर 3 स्टार फ्लैग ऑफिसर आप बन जाओगे वाइस एडमिरल जब आप बन जाओगे। नेक्स्ट इसके बाद जो रैंक आता है वह होता है एडमिरल। एडमिरल एक 4 स्टार फ्लैग ऑफिसर रैंक है, इसमें आप 3 स्ट्राइप के साथ एक ब्रॉड स्ट्राइप है और एक नेल्सन रिंग है। इसमें भी जो कॉलर टैब्स होंगे उसमें आप 4 स्टार पहनोगे, 4 स्टार आपके कॉलर टैब्स में आएंगे, तो एडमिरल एक 4 स्टार फ्लैग ऑफिसर रैंक है। एडमिरल क्या है, एक 4 स्टार फ्लैग ऑफिसर रैंक है, और इसमें भी आप बिल्कुल पूरी नेवी को, जैसे आर्मी में सीनियर मोस्ट जनरल होता है वैसे ही नेवी में एडमिरल होगा, पूरी वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न नेवल कमांड पूरा आपके अंडर आ जाएगा, एडमिरल के अंडर आ जाएगा। एक और इसके बाद डिजिग्नेशन होती है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, वो एक वॉर टाइम रैंक है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, और इंडिया में ऐसी कोई वॉर मेजर हुई नहीं है जिसमें नेवी का रोल रहा हो, मेजर रोल रहा हो, तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट इंडिया में नहीं है। प्लस एडमिरल ऑफ द फ्लीट होने के लिए आपके पास एक फ्लीट होनी चाहिए पूरी, हमारे पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो दूसरा है वो भी अभी बन रहा है, जब 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे तो हमारी एक पूरी फ्लीट बन जाएगी, तो उसके बाद एडमिरल ऑफ द फ्लीट रैंक को कंसिडर करा जा सकता है, जो कि एक 5 स्टार फ्लैग ऑफिसर रैंक है। और इन नियर फ्यूचर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि एडमिरल बनने के बाद आजकल जो नई अपॉइंटमेंट आई हुई है वो आई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उसको बना दिया जाता है जो तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स को लीड करे। आई होप यह डिफरेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स मिलते रहें।